तो आपको ना वो TCA नंबर देंगे, TCA नंबर बेस्ड बेसिक है टेस्ट कंप्लीशन नंबर, ठीक है ना। तो आपको वो जब नंबर मिल जाएगा उस नंबर के थ्रू ही आप अपना वो आगे बुक कर सकते हो। मैं मनिंदर की आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे आप सबको पता है अभी आज ये वीडियो सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के बारे में होगी, भी आप लाइसेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसको अप्लाई करने में कौन कौन से प्रोसेस से होके हमें जाना पड़ेगा और कितना खर्चा लगेगा, ठीक है। बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस बनाने में हमें अराउंड $350 लग जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसमें से किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इसमें फर्स्ट एड CPR का लाइसेंस चाहिए हो, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो CPR का फर्स्ट एड का आपको पता ही है ना, अगर इन एमरजेंसी अगर आप कहीं पर ड्यूटी दे रहे हो वहाँ पर किसी को CPR की ज़रूरत हो तो आपको टेक्निक पता होनी चाहिए भी हम किसी को कैसे CPR देते हैं और उसकी जान बचा सकें, ठीक है। फिर CPR फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होने के बाद आपको एक रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। वो रिटन टेस्ट कहाँ पे होता है वो आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगा। और थर्ड में आपको फिर जब रिटन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको उसके अप्लाई करना पड़ेगा सर्विस ओंटारियो पे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अभी ये CPR और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट हम कहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गूगल पे आप गूगल कर सकते हो भी यहाँ पे फर्स्ट एड CPR का कहाँ से मिल सकता है। जैसे अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दो तीन एजेंसीज हैं, मतलब एजेंसी नहीं कंपनी कह सकते हैं जिसको आप, वो जो CPR और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। इसका मेन जो खर्च वो चार्जेस जो लेती हैं उसका 169 to 175 डिपेंड करता है, वैसे मोस्टली 169 होता है आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। उसके बाद जब आप बुक कर लोगे तो आपका एक दिन का होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, आप वहाँ पे जाते हो, वो उसका टाइम वेरी करता है, हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग टाइमिंग होती है। बेसिकली एवरेज लगा लो आप 9 से 3 बजे तक होता है, अभी 5-6 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसमें आपको वो CPR फर्स्ट एड का सारा कुछ सिखा देंगे और सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद वही लोग जहाँ पे आपने 169 या 175 जितने भी डॉलर पे किए हैं वो आपको एक ID पासवर्ड देंगे एक ऑनलाइन साइट का, जहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी का कोर्स जो ऑनलाइन है वो आपको कंप्लीट करना है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें 40 आवर्स की वीडियो होती है, तो आपको वो देखनी है, ठीक है। एक वीडियो जैसे एक घंटे की आपने वीडियो देखी और उसके बाद आपको क्वेश्चंस आएंगे MCQ, तो आपको वो आंसर देने हैं। जब तक आप सही आंसर नहीं दोगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। ऐसा भी नहीं अभी आप सोच रहे हो या मैं इस वीडियो को सीधा आगे प्रोसीड कर दूंगा तो वहाँ भी मैं कंप्लीट कर लूँगा, इसमें इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से हो जाता है, आप 2 या 3 दिन में आसानी से कंप्लीट कर लोगे। जब आपका ये 40 घंटे वाला वीडियो वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लास्ट में, ठीक है, वो बता देगा अभी हाँ आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने सीधा जो आपके जिस एजेंसी थ्रू आपने CPR फर्स्ट एड की ली है ट्रेनिंग उनको आप बताना हाँ भाई मैंने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो आपको ना वो TCA नंबर देंगे। TCA नंबर बेसिकली ये वो होता है टेस्ट कंप्लीशन नंबर, ठीक है ना। तो आपको वो जब नंबर मिल जाएगा उस नंबर के थ्रू ही आप अपना वो आगे बुक कर सकते हो। बुक करने के बाद, ठीक है, आपको वहाँ पे डेट दिख जाएगी, हाँ भाई इस डेट को अपॉइंटमेंट है, अभी ये सीट टेस्ट की डेट अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे अपना टेस्ट देने जाओगे। वो टेस्ट वहाँ पे जो होता है वो होता है अराउंड, क्योंकि मैंने जब दिया था अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को देते हुए टेस्ट को, तो वही 75 मिनट का होता है, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको वो 60 क्वेश्चन वो 75 मिनट में 75 और आई थिंक 80 मिनट वो चेक कर लेना आप, वहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं, वो 40 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते। उसकी मैं एक PDF फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप सीधा मेरे को वहाँ पे मेरी Instagram ID दी होगी, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके वहाँ से ले सकते हो। तो अगर आप वो PDF को पढ़ लोगे ना उसके ऊपर कुछ नहीं आता, बिल्कुल आसान होता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना टफ नहीं होता, ठीक है। टेस्ट आपने दे दिया है, टेस्ट का रिजल्ट 1 या 2 दिन में आ जाता है। टेस्ट का रिजल्ट जब आपको कंप्लीट कर लिए उसमें हमको पासिंग मार्क्स के लिए 60% चाहिए होते हैं, 60% आसानी से आ जाते हैं। कोई बंदा होता है जिसको सेकेंड बार देना पड़ता है, वो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं। दोबारा से फिर आपको वही टेस्ट बुक करने की फीस आपको मालूम होगी $70 to $75 होती है, $75 होती है। जब आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको वो बोलेंगे भी हाँ
अब आके आप आगे प्रोसीड करो, वे सर्विस ओंटारियो साइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फिल करो, और जो फिजिकल लाइसेंस होता है उसको अप्लाई करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी जो $75 होती है, तभी ये टोटल मिला के $350 बनते हैं। आपके बाद जब आपने वो फिल कर दिया तो 15 और 20 दिन के अंदर आपको अपना जो फिजिकल लाइसेंस होता है सिक्योरिटी गार्ड का, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, वह आपको मिल जाएगा। उससे पहले आपको ना एक डिजिटल कॉपी मिल जाती है, जैसे भी जैसे अभी IS का TRP हमें डिजिटल फॉर्म में मिलने लग गया ना, पहले की तरह तो है नहीं भी हमारे घर पे TRF वो पोस्ट करेंगे, अब तो सीधा डिजिटल मिलता ना, ETR बोलते हैं, वैसे ही आपको पहले ई लाइसेंस मिल जाएगा जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो, आप जॉब अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास लाइसेंस भी आ गया, अब हमने आगे क्या करना है, अब ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। अगर आप फुल टाइम हो तो आपको सिक्योरिटी का काम बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, फुल टाइम इन दी सेंस अगर आप वर्क परमिट पे हो या आपका भी ड्रॉप चल रहा हो या आपकी हॉलीडेज चल रही हो, तो आपको आसानी से यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी की कंपनी होती है आपको आसानी से काम मिल जाता है, क्योंकि वो शिफ्ट आपको बंदा फुल टाइम चाहिए, ऐसे नहीं अभी हम बोले अभी 20 घंटे कर सकते हैं, उसको भी एडजस्ट करने पड़ेगा ना, 20-20 घंटे के हिसाब से एक वीक के लिए कितने सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, तो वो भी अपना आसानी से काम करने के लिए फुल टाइम बंदा देखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं भी पार्ट टाइम बंदे को काम नहीं मिलता है, मिल जाता है, ट्राई करने में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे घर पे बैठे रहोगे ऐसे तो नहीं आपको घर पे आ गए, हाँ भाई आ जा तेरे को काम चाहिए आ जा, ऐसे नहीं होता, तो ये सब हो गया। अब इसके लिए ना मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था अभी सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब देती हैं उसकी कौन कौन सी कंपनियाँ होती हैं, मोस्टली यहाँ पे G4S होगी, अच्छी कंपनी जो अच्छी पे देती है, अगर आप उनके थ्रू काम करते हैं तो आपको अच्छी पे रेट मिल जाती है, वो अभी हायर भी काफ़ी कर रही है, और एक पैलाडिन नाम की भी सिक्योरिटी कंपनी है, वो भी आपको हायर कर सकती है, ठीक है। और इसके जैसी थोड़ी वो छोटी सिक्योरिटीज कंपनी होती हैं जो हायर करती रहती हैं, आप गूगल पे जाके या इंडीड पे जाके या लिंक्डइन पे जाके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जाके कुछ नहीं करना, सीधा करना, वो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको वो इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे, चाहे आपको वर्चुअल कॉल पे बुलाएं चाहे आपको खुद वो अपने ऑफिस में बुलाएं, ठीक है। वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे आपको पूछेंगे हाँ आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने पहले कहाँ पे काम किया, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बंदा चाहिए होता हाँ भाई उसके पास ये CPR फर्स्ट एड ये सिक्योरिटी का लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है अभी सिर्फ सिक्योरिटी का लाइसेंस है आपके पास CPR का नहीं है, तो वो तीनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, वे आपको चाहिए होती है। फिर जब आपका वहाँ पे वर्चुअल इंटरव्यू होता होगा तो आपको वही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप पहले कहाँ पे काम करते थे, अगर काम एक्सपीरियंस नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पूछेंगे हाँ किस टाइम पे आप शिफ्ट करोगे, ठीक है, आपकी जो भी आप किस टाइम पे फ्री होते हो, ठीक है, आपके पास कार है या आप किस ट्रांसपोर्ट पे यूज़ करते हो, क्योंकि मोस्टली ये बंदे ना कार जिसके पास कार होती है उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी शिफ्ट ना जो एरिया होता है ना शिफ्ट लगाने का वो थोड़ा दूर होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई बार दूर रहता है, तो इसलिए कई बार रात को शिफ्ट शुरू होती है, रात को पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं होता, तो इसलिए ये ज़्यादातर मोस्टली प्रेफर कार वाले को करते हैं। ऐसा नहीं है अभी अगर कार नहीं है तो आपको मिल जाता है, मिलनी नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। आप सभी को अब यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो भी तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में या मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो, जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक ढूंढ। हाँ जी, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बाय।